आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल हम प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। हम कंप्यूटर, मोबाइल व इंटरनेट का भी प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। हम कंप्यूटर व मोबाइल का प्रयोग करते हुए या तो ऐसे कार्य कर देते हैं जो साइबर क्राइम कहलाते हैं, या फिर साइबर क्राइम के शिकार बन जाते हैं। जब हम कंप्यूटर या मोबाइल का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति या संस्था को हानि पहुंचाते हैं, या उनके डेटा से छेड़छाड़ करते हैं, या उनका डेटा चुरा लेते हैं, या फिर हम किसी व्यक्ति या संस्था की जानकारी को बदल देते हैं, या किसी व्यक्ति या संस्था का डेटा हम डिलीट कर देते हैं, या फिर हम किसी व्यक्ति या संस्था की फेक आईडी बना लेते हैं तथा उस आईडी का दुरुपयोग करते हैं, या हम फेक आईडी से किसी व्यक्ति या संस्था को ब्लैकमेल करते हैं, या फिर हम मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए किसी के बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या ऑनलाइन ठगी करते हैं, या फिर हम ऑनलाइन किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या उसका चरित्र हनन करते हैं, तो यह सब कार्य साइबर क्राइम कहलाते हैं। साइबर क्राइम करने वाले ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनमें आम आदमी आसानी से फंस जाता है और उसकी जानकारी दूसरों तक पहुंच जाती है। साइबर क्राइम करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं का डेटा फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से भी चुरा लेते हैं और कभी कभी फोन करके भी व्यक्तियों को झांसे में लेकर जानकारी ले लेते हैं। कभी फोन करने वाला बैंक का आदमी बनकर एटीएम व अकाउंट की जानकारी मांगता है, कभी लॉटरी मिलने का नाम लेकर जानकारी मांगता है, कभी वह इंश्योरेंस एजेंट बनकर जानकारी मांगता है, कभी इनाम मिलने का नाम लेकर जानकारी मांगता है। जब हम साइबर ठग के झांसे में आकर उसे जानकारी दे देते हैं तो वह उस जानकारी का दुरुपयोग करता है और आपकी जानकारी का प्रयोग करके या तो वह आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है या फिर अन्य हानि पहुंचाता है। मोबाइल व इंटरनेट के प्रयोग ने साइबर क्राइम बढ़ा दिए हैं। इनमें से कुछ साइबर क्राइम मैं आपको बता रहा हूं। पहला साइबर क्राइम है वायरस। आप सभी जानते हैं कि वायरस हमारे कंप्यूटर व मोबाइल के लिए खराब है। वह हमारा सारा डेटा खराब कर देता है। साइबर क्राइम करने वाले वायरस के माध्यम से डेटा भी चुराते हैं। यह वायरस विभिन्न माध्यम से डेटा चुराकर वायरस बनाने वाले व्यक्ति के पास डेटा पहुंचा देता है। प्रत्येक वायरस अलग अलग होता है तथा सभी वायरस का उद्देश्य डेटा नष्ट करना व डेटा चुराकर वायरस बनाने वाले व्यक्ति के पास डेटा भेजना है। यह उसकी कोडिंग पर निर्भर करता है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा सबसे बड़ा क्राइम एड क्लिकर है। इसमें लोगों को लॉटरी के झांसे में फंसाया जाता है। इसमें मैसेज भेजकर या फोन करके साइबर ठग बताते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है। यह लॉटरी करोड़ों या लाखों की बताई जाती है तथा व्यक्ति से कुछ जानकारी मांगी जाती है। जब व्यक्ति उस पेज पर जाकर अपनी जानकारी भरता है तो यह जानकारी साइबर ठग चुरा लेता है तथा व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा साइबर अपराध है फिशिंग। इसके द्वारा साइबर ठग डुप्लीकेट होम पेज बनाते हैं। इसमें हैकर डुप्लीकेट होम पेज बनाकर तैयार करके छोड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही व्यक्ति अपनी आईडी से लॉगिन करता है, वैसे ही उसकी समस्त जानकारी साइबर ठग के पास पहुंच जाती है। इस प्रकार से साइबर ठग आसानी से व्यक्ति को अपने झांसे में ले लेते हैं तथा उसकी समस्त जानकारी चुरा लेते हैं। आजकल फेसबुक पर भी यह खेल साइबर ठग व हैकर खेल रहे हैं तथा कभी कभी तो अपील लिखकर आपके दोस्तों से पैसे मांगने का धंधा भी शुरू कर देते हैं। इसमें डुप्लीकेट होम पेज वैसा ही होता है जैसा आपका ओरिजिनल, अतः व्यक्ति आसानी से हैकर की ठगी का शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा अन्य साइबर अपराध है की लॉगिंग। यह भी एक खतरनाक साइबर क्राइम है।
इसमें हैकर आपकी कीज को सॉफ्टवेयर के द्वारा जान जाते हैं तथा यह भी जान लेते हैं कि आप कौन कौन से बटन दबा रहे हैं। इसके बाद उसी आईडी व पासवर्ड से आपकी अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए वह आपके डिवाइस में लोकली या रिमोटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर जानकारी इकट्ठी करते हैं। इसके अलावा फेक आईडी बनाकर भी साइबर क्राइम किया जाता है। इसमें आपकी आईडी से मिलती जुलती फेक आईडी बनाई जाती है तथा उसमें भी ब्लैकमेल करने का कार्य किया जाता है। आजकल कई संस्थाएं भी साइबर क्राइम करने वाले बना लेते हैं तथा उसमें भी डेटा इकट्ठा किया जाता है तथा उस डेटा का प्रयोग नुकसान पहुंचाने में किया जाता है। आजकल अवार्ड देने के नाम पर भी जानकारी चुराई जाती है। फेसबुक, व्हाट्सएप व ट्विटर जैसे माध्यम से भी डेटा चोरी किया जाता है। गेम खेलने के नाम पर भी, इनाम जीतने के नाम पर भी डेटा चोरी किया जाता है। यह सब कार्य साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें जागरूक होना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि हम कभी भी पब्लिक नेटवर्क पर अपने डिवाइस को कनेक्ट ना करें, क्योंकि कई जगह पर फ्री वाईफाई मिलता है और इस फ्री वाईफाई के लालच में हम अपने डिवाइस को पब्लिक नेटवर्क से जोड़ देते हैं। हम आसानी से साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने डिवाइस में एंटीवायरस का प्रयोग करते रहें, आप अपने डिवाइस को स्कैन करते रहें, उसे समय समय पर स्कैन करें ताकि उसमें वायरस ना पाए तथा वॉर्म्स उसमें प्रवेश ना कर पाए। आप ऑनलाइन बैंकिंग करते समय वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करें, ओरिजिनल कीज का प्रयोग ना करें। फिशिंग पेज से बचने के लिए आप वेबसाइट के लिंक को चेक करें तथा उसी वेबसाइट के लिंक को क्लिक करें जो HTTPS से शुरू हो, क्योंकि HTTPS वाली वेबसाइट पर फिशिंग नहीं हो सकता है। इसके अलावा अपना लॉगिन व पासवर्ड किसी से शेयर न करें। आप अपना पासवर्ड अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने नाम पर ना बनाएं। आप अपने पासवर्ड को सिंपल ना बनाएं तथा उसे सुरक्षित रखें। किसी दूसरे के सामने न तो लॉगिन करें न ही उससे पासवर्ड शेयर करें। आप CCTV की रेंज में जहां से आपकी कीज दिखाई दें वहां पर लॉगिन ना करें, अन्यथा आपका पासवर्ड व आईडी कोई भी जान लेगा। फोन पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बनकर या एजेंट बनकर आपसे जानकारी मांगे तो उसे अपनी जानकारी न दें। कस्टमर केयर पर भी अपना पासवर्ड न बताएं, अतः अपनी जानकारी को पब्लिक में न लाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप व ट्विटर पर भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें। अपनी जानकारी लीक होने पर तुरंत अपनी आईडी ब्लॉक कर दें ताकि उसका दुरुपयोग न हो। साइबर क्राइम से बचने का एक ही उपाय है, सावधानी। अतः आप हमेशा सावधानी बरतें। साइबर क्राइम भी एक अपराध है, इसमें भी सजा के प्रावधान है। साइबर क्राइम के शिकार बनने पर आप पुलिस रिपोर्ट लिखवाएं, पुलिस को अपनी ठगी की जानकारी दें ताकि ठगों पर शिकंजा कसा जा सके, आम जनता को ठगी से बचाया जा सके। आप ATM पर भी अकेले जाएं, किसी की उपस्थिति में पैसे ना निकालें, ATM का पिन भी बदलते रहें। यदि आप सतर्क रहेंगे तो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। हमारे छात्र भी इससे बचें तथा फेसबुक पर अनजान लोगों से दोस्ती ना करें। छात्राएं भी इसमें सावधानी बरतें ताकि साइबर क्राइम से बचा जा सके। आजकल यह बढ़ता जा रहा है, इससे बचने की आवश्यकता है। सावधानी ही इसका बचाव है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।